हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जो है साउंड टेस्ट करेंगे लॉजिटेक Z906 का। ये इसका ऑलरेडी अनबॉक्सिंग वीडियो और प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो मैंने बना दिया, तो ये थोड़ा सा सेटअप दिखा देता हूँ। ये मेरा होम थिएटर है Z906, उसको मैंने यहाँ पर सेटअप किया है। जैसे देख सकते हैं, ये मेरा पुराना फिलिप्स का होम थिएटर है जो कि अभी अनबॉक्सिंग है, तो इसके ही पास मैंने इसको सेटअप किया है, ठीक है। और जस्ट फॉर द डस्ट प्रोटेक्शन ये इसका होल है, और ये इसके सैटेलाइट स्पीकर है, ठीक है। और ये इसका एक्चुअली रिसीवर है, वॉल्यूम कंट्रोल आप बोल सकते हैं। ये सेंटर है और वो आपका राइट हो गया, और बाकी जो मैं पीछे माउंट करके रखा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इसके लिए मैंने रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक ऑलरेडी यूट्यूब में प्ले करके रखा है, ठीक है। तो इसको प्ले करने से पहले मैं कुछ कुछ फंक्शनलिटी बताता हूँ। जब भी इस होम थिएटर को आप परचेज करोगे और फर्स्ट टाइम प्ले करोगे, तो आपका जो लेवल है, ठीक है, रिमोट में देखते हैं, ये जो लेवल है, ठीक है, आप जब लेवल प्रेस करोगे तो देखिए, ये आपका सबवूफर का लेवल है जो कि 50% पर रहता है, ठीक है। और उसके बाद फिर से लेवल करोगे तो पीछे का जो लेफ्ट और राइट है वो भी 50% पर रहता है, ठीक है। तो वो मैं बढ़ा कर रखा हूँ, और उसके बाद ये सेंटर का लेवल भी 50% पर रहता है, ठीक है। तो उस समय का साउंड आउटपुट, और जब ये लेवल आप इंक्रीज करते हैं, और अभी पूरा पूरा वॉल्यूम भी 50% है, तो अभी डिफ़ॉल्ट सेटिंग जब आप इसको लोगे उस समय साउंड क्या आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे 50% वॉल्यूम है, ठीक है, और ये मैं NCS का एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ मेरे टीवी में, ठीक है। तो इसको चलिए प्ले करते हैं। वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज करता हूँ, जैसे इसको मैंने सारे लेवल 50% पे मैंने इसे प्ले किया, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि जब मेरा वॉल्यूम जो है इसको मैं 50% पे, यानी मेन वॉल्यूम को मैं 50% पे किया, ठीक है। और अभी लेवल्स मैं इंक्रीज करता हूँ, जैसे आपका सब वूफर का लेवल मैं बढ़ाकर 100% करता हूँ, देखिए, ठीक है, ये 100% हो गया। फिर ये दूसरा लेवल पीछे का लेफ्ट और राइट चैनल का वॉल्यूम भी मैं 50% करता हूँ, सॉरी 100% करता हूँ। और एक और लेवल जो है सेंटर स्पीकर का, वो भी मैं 100% कर दिया, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा जल्दी हो जाएगा, 100% हो गया। अभी इसको थोड़ा वेट करते हैं। हाँ, अभी सारे लेवल्स के वॉल्यूम 100% है, मेन वॉल्यूम 50% है, ठीक है। अब इसी सेम सॉन्ग को हम लोग फिर से प्ले करते हैं, थोड़ा सा बैक करके। अभी ये जो आउटपुट है मेन वॉल्यूम 50%, ठीक है, जिसमें कि सब ऊपर का वॉल्यूम 100% है, सेंटर का वॉल्यूम 100% है, और पीछे के जो सैटेलाइट स्पीकर है उसका वॉल्यूम 100% है, ठीक है। तो फिर से बोलता हूँ, ये जो अभी हम लोग आउटपुट सुन रहे हैं म्यूजिक का, इसमें मेन वॉल्यूम यानी पांचों चैनल का वॉल्यूम 100% है, लेकिन ईच ऑफ द लेवल, जिसमें थ्री लेवल है, जिसमें कि फर्स्ट लेवल में आपका ये सब वूफर का वॉल्यूम है, इसको मैंने 100% कर दिया, सेंटर स्पीकर का भी वॉल्यूम 100% कर दिया, और पीछे का जो लेफ्ट और राइट चैनल है उसका वॉल्यूम भी 100% कर दिया। अब इस सेटिंग पे जब आप इसको फुल वॉल्यूम पे प्ले करेंगे सेम म्यूजिक, तो कैसा होता आउटपुट वो हम लोग देखते हैं। और मैं वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा, ठीक है। अब वॉल्यूम मैं इंक्रीज करता हूँ, we
कॉलम 100% है और सारे लेवल्स भी 100% है। मैं एक बार चेक करा, देखिए सब बूफर भी 100% पे है, ठीक है, लेफ्ट राइट भी 100% पे है, सेंटर भी 100% पे है, ठीक है। और ये म्यूज़िक मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि इसमें आपका वो मतलब जो बीट है वो काफ़ी क्लियर है, जिसमें कि बेस भी मुझे अच्छा मिल रहा था, इसलिए मैंने ये फ्री रॉयल्टी वाला म्यूज़िक सेलेक्ट किया, ठीक है। तो ये था साउंड टेस्ट छोटा सा लॉजिटेक Z906 का, यस, ठीक है। तो इसका ऑलरेडी अनबॉक्सिंग वीडियो, ये सारा वीडियो मेरे चैनल पर है। साउंड टेस्ट का थोड़ा रिक्वेस्ट आ रहा था इसलिए मैंने इसे बना दिया, और थोड़ा सा बस कंसर्न यही है कि प्लीज़ यूज़ द हेडफोन वाइल वॉचिंग दिस वीडियो, ताकि आपको एग्जैक्ट एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जब भी मैं इस वीडियो को प्ले कर रहा था, मतलब साउंड टेस्ट कर रहा था, तो मैंने अपने फ़ोन को सेंटर पर रखा ताकि आपको जो है वो सराउंड और डॉल्बी का थोड़ा बहुत फील आए। तो मेरा ये जो है ये रिटर्न होके सेकेंड पीस आया था और इसमें मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा, मतलब 100% वॉल्यूम पे भी मुझे कोई भी डिस्टॉर्शन, ठीक है, या फिर सब बूफर का नॉइस क्रिएट करना, ये सारा कुछ नहीं है। तो अभी मैं लास्ट इसको 14-15 डेज से यूज़ कर रहा हूँ, ये भी एकदम परफेक्ट चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसे मैंने वॉल माउंट नहीं किया है, मैं इसे ऐसे यहाँ पे नॉर्मली रख दिया हूँ टीवी के पीछे, और मेरा जो लेफ्ट एंड राइट है बैक का, उसे मैंने सोफा के पीछे मैंने माउंट किया है, ठीक है, ताकि वो स्पीकर्स दिखते नहीं है लेकिन आपको फील होता है कि सराउंड में कहीं से आवाज़ आ रहा है। तो फॉर दैट रीज़न आई डिडंट माउंट इट, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कुछ कमेंट या फिर कुछ भी जानना है इस स्पीकर के बारे में या होम थिएटर के बारे में जो कि है लॉजिटेक का Z906, तो कमेंट में बताइए, मैं कोशिश करूँगा और भी वीडियो बनाने का। और हाँ, होम थिएटर अच्छा है, थोड़े और ऑप्शंस होते, थोड़े और मॉडिफिकेशन हो सकते थे, जो कि कंपनी को सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्राइस रेंज में दे रहा है उस प्राइस रेंज में ये सारे ऑप्शंस एक्चुअली होने चाहिए, जैसे HDMI हो गया, ब्लूटूथ हो गया, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।